Good morning, everyone. How are you? Gopal here. Once again, good to see you, everybody, on my live YouTube channel. आज की वीडियो जो मैंने बनाई है वो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है. तो पहली वीडियो है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस फर्स्ट. सबसे पहले प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है. कोई भी चीज़ को आपको सक्सेसफुल बनानी है तो आपकी लाइफ में अगर प्रैक्टिस आप नहीं करते हो तो आप उसको आप अचीव नहीं कर सकते जो आपको एक्चुअली अचीव करना है. तो क्रिकेट में तो ऐसा है कि अगर आप अपना रूटीन सेट नहीं करोगे तो आप कहीं पे भी आगे बढ़ नहीं पाओगे. तो क्रिकेट खेलना है तो आपको अपनी एक प्रैक्टिस की पैटर्न सेट करनी पड़ेगी, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड देन आप उसके बाद मैच खेल सकते हो. अभी हम जब देख रहे हैं कि काफ़ी लोग मैचेस ज़्यादा खेलते हैं क्योंकि हम लोग मैचेस टीवी में बहुत देखते हैं, तो उसकी इम्पैक्ट जो है अभी हमारे लाइफस्टाइल में भी आ गई है कि वेन एवर द मैचेज आर गोइंग ऑन वी जस्ट वॉच द गेम एंड वी डोंट पुट आर एफर्ट्स. हम लोग खुद अपनी जान नहीं लगाते अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए. तो हम जब प्रैक्टिस में जाते हैं तो हम क्यों जाते हैं, तो उस प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस ही क्या है, वो हम अब उसको सेट नहीं करते हैं. हम मैच को देखते हैं, मैच को याद करते हैं और बोलते हैं चलो मैच है, हम मैच खेलने जाएंगे. बट प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहला लेसन आज यही है कि प्रैक्टिस सेट करो अपनी जो आपको रिजल्ट लंबे समय के बाद मिल जाए आपको. ये बिना प्रैक्टिस का कोई भी सेशन आपका कोई भी एफर्ट्स है वो राइट डायरेक्शन में नहीं है. सीधा आप जाके टेस्ट दोगे, मतलब कि आप सीधा मैच खेलोगे, बट आप उसको आपकी प्रॉब्लम को कहीं पे भी फिक्स नहीं करोगे तो वो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी अपने को. सो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू टुडे इन कि आपकी एक पर्पस होनी चाहिए. जब प्रैक्टिस में जाओ तो आपको एक प्लान होना चाहिए कि जब मैं आज मैं नेट में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या अपनी कौन सी स्किल पे वर्क करूंगा. अगर आप उसको सेट नहीं करोगे तो फिर आप अपनी रूटीन नहीं बनाओगे तो आप कैसे अपनी गेम को इम्प्रूव करोगे. सो काफ़ी लोग हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं. मैं जब कभी भी क्वेश्चन पूछता हूँ कि किसको अच्छा क्रिकेटर बनना है तो सब लोग हाथ ऊपर करते हैं, बोला मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे बनना. बट आप कैसे बनोगे, आपके पास कोई गेम प्लान है क्या, आपके पास कोई सेट रूटीन है क्या? तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपना रूटीन को सेट करो. जो रूटीन सेट होगा तो आपकी गेम पे इम्प्रूवमेंट आएगा. बाकी जो आप खेल रहे हो, जो आपकी लेवल है, आप अपनी लेवल पे खेलते रहोगे, आपका टाइम निकल जाएगा और आप फिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ोगे. तो मेरा कहना यह है कि एक अपनी प्रैक्टिस की रूटीन सेट करो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है. कभी भी क्रिकेट खेलना है तो आप अपनी रूटीन सेट करो, अपनी फिटनेस सेट करो, अपनी फील्डिंग सेट करो, कैचिंग सेट करो. आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी उसमें कि आप वो बहुत अच्छा करोगे और बॉलिंग और बैटिंग जब आप करोगे तो वो आपको पूरा पैकेज बन जाएगा. एक चीज़ को आप याद करो कि भाई हम कितना घंटा रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, हाउ मेनी आवर्स वी आर पुटिंग इनटू द क्रिकेट. अगर हम दो घंटा करते हैं तो उसमें हम कितना टाइम बैटिंग करते हैं, कितना टाइम बॉलिंग करते हैं और हम कितना अपने फिटनेस और फील्डिंग के ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेरे हिसाब से जो अभी जो क्रिकेट चल रहा है, अगर आप भी जानते हो, अगर हम T20 मैच खेल रहे हैं तो भी अगर आप बॉलर हो तो आपको 4 ओवर मिलेगा, अगर आप बैट्समैन हो तो अगर शायद आप मिडिल ऑर्डर हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपका नंबर आएगा तब आपको बैटिंग मिलेगा. लेकिन एक चीज़ तो पक्का है जो मिलेगा आपको अगर आप टीम में खेल रहे हो, वो है फील्डिंग. और फील्डिंग और कैचिंग ऐसी चीज़ है कि उससे आपको आप अपने आप को नहीं पर आप आपके टीम को भी इम्प्रेस कर सकते हो और आप टीम को मैच भी जिता सकते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अपनी फील्डिंग पे कितना काम कर रहे हो, आप फिटनेस पे कितना काम कर रहे हो, क्योंकि आपको भागना है, आपको भागना है, आपको लॉन्ग ऑफ से लॉन्ग ऑन जाना है, अच्छे फील्डर बनना है कि लोग आपको टीम से बाहर ना निकाले कि भाई ये बहुत अच्छा फील्डर है यार, फील्डिंग बहुत अच्छी कर लेता है, मुझे ये लड़के तो चाहिए ही चाहिए. तो पहले सब बच्चे जो है ये चीज़ को समझ लो कि हार्डवर्क के बिना ये आपकी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी. तो अगर आपको सही में क्रिकेट खेलना है, सही में आगे बढ़ना है, जब हम किसी रोल मॉडल को देखते हैं तो उसकी हम गेम को देखते हैं, हम उसकी प्रोसेस को नहीं देखते. जब तक आप अपनी प्रोसेस सही नहीं करोगे तब तक ये कोई सिस्टम में चेंज नहीं होगा. आप अच्छे खेलते रहोगे, आप जहाँ पे हो वही लेवल पे खेलते रहोगे, आप एक स्टेप ऊपर नहीं जाओगे. तो मेरा कहना ये है कि सबसे पहले बिना फगे बिना भूले आपको ये काम करना है कि हमारी सेट रूटीन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस की रूटीन सेट करनी पड़ेगी. हम खाली मैचेस नहीं खेल सकते, हमें जाके नेट्स पे जाके अपनी स्किल के ऊपर वर्क करना पड़ेगा. हमें अपनी बैटिंग को सुधारना है अगर हम बैट्समैन हैं, हमें स्ट्रोक मेकिंग को सुधारना है, हमें अपनी ड्राइव्स को सुधारना है, हमें अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट को सुधारना है. ये गेम ऐसी है, ये टीम के साथ चलती है, अकेले नहीं चलती है. आपको अगर आपने शॉट अच्छा खेला तो आपका पार्टनर आपके सो रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि वो भी आपके साथ भागे. तो ये टीम गेम है, उसके लिए कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथ साथ में, कि आप सबके साथ अच्छा रेपो बना के खेले और आप गेम को समझें. तो इस समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. और प्रैक्टिस करने के लिए खाली ऐसे आप नेट पे चले गए और नेट करके आ गए, वो प्रैक्टिस नहीं है. आपको रोज़ कुछ ना कुछ प्लान करके नेट पे जाना चाहिए. वो अगर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना आपको
इम्प्रूवमेंट दे रहा है। अगर आप उसको एसेस ही नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। आपको लगा चलो भाई मैं नेट पे गया, मेरे को अच्छे से नेट हो गया, मैंने बैटिंग कर लिया, मैंने बॉलिंग कर दिया। मैं उसके ऊपर डिटेल में बाद में जाऊंगा, बट मैंने कहने का मतलब है जब तक आपका रूटीन सेट नहीं है तब तक सब कुछ बराबर नहीं है। तो रूटीन पहले सेट करो। हमें अपनी रूटीन इतनी मजबूत बनानी है कि हम उस चीज़ को ना भूलें और आपको आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा अगर आप अपनी रूटीन सेट करते हो। जाओ आप नेट पे जाओ, पहले आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, अपना कोचिज जो बोलते हैं कि आप 2 राउंड लगाओ या 5 राउंड लगाओ वो करो। उसमें आप वो नहीं करो कि यार ये क्यों भागना है, वो आप अपने लिए भाग रहे हो। अगर आप अच्छा भागोगे, आप अच्छी रिदम में रहोगे, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बाकी स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो जब तक आप अपना रूटीन सेट नहीं करोगे तब तक सब कुछ चीज़ बराबर नहीं है। तो मेरा कहना ये है प्लीज़ पहले अपना रूटीन सेट करो। एंड मैंने आपको जब बताया था कि आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, अगर आपको रूटीन सेट करना नहीं आता तो यू कैन सेंड मी योर कमेंट ऑन माई YouTube channel and I'll come back to you with the answer. I can get you my plan also how to set your routine. And ये बहुत important है, और जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको आगे नहीं लेके जाएगी। हमें आगे जाना है, आगे जाने के लिए एक रूटीन बोना बहुत ज़रूरी है और रूटीन बनाना ही पड़ेगा। अगर रूटीन नहीं बनाएंगे तो हम उसी स्टैंडर्ड पे, उसी लेवल पे, उसी जगह पे रहेंगे और लोग आके निकल जाएंगे। जब भी आप प्रैक्टिस करो, सोचो अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सोचो मिलियंस ऑफ बॉयज़ आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको उससे थोड़ा आगे करना है। तो आगे प्रैक्टिस करना है तो कैसे करें, तो उसके लिए अच्छा सा गेम प्लान बनाओ, अच्छा सा प्रैक्टिस प्लान बनाओ कि वहाँ जाके आप अपनी प्रैक्टिस प्लान हिसाब से खेलो और फिर आप देखो आपका क्रिकेट इतना इजी हो जाएगा। अगर मैं आप कोचिस की बात करूं, हम जब क्रिकेटर थे, हम जब खेलते तो काफ़ी चीज़ें हमें नहीं पता था। जब हम कोचिंग का पढ़े, हम कोचिंग सीखे, जब हमें एक्सपीरियंस मिला तभी पता चलता है कि सेशन को प्लान करना कितना ज़रूरी है। इसी तरह आप अपनी गेम को खुद प्लान आउट करो कि क्या करना ज़रूरी है। आप खुद सोचो मुझे क्या करना चाहिए, कि नहीं कि कोच हमें बोले या आपके पेरेंट्स आपको बताए कि तुम्हारा ये बैटिंग अच्छा नहीं हो रहा या बॉलिंग नहीं हो रहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए टू इम्प्रूव माई गेम टू द नेक्स्ट लेवल। आपको पता है आप कहाँ पे खड़े हो, तो उस चीज़ पे आपको कोच की ज़रूरत है, जो आपको गाइड की ज़रूरत है वो आपको हेल्प कर देंगे कि आपको कहाँ से कहाँ लेके जाना है। तो मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपना प्लान करो, सेट करो कि आपको कितना घंटा प्रैक्टिस करना है, उसमें आपको कितने घंटे आपने में से कितना टाइम आपको स्किल पे देना है, कितना अपनी फिटनेस पे देना है, कितना आपकी गेम के ऊपर देना है। अपने आप के साथ रहो, थोड़ा अपने आप के साथ बैठ के थोड़ा लिखो, रोज़ लिखो कि मैं क्या कर सकता हूँ। आज की एक अच्छी टूल जो बैट्समैन के लिए मैं दे सकता हूँ कि आप जो अगर बैट्समैन हो, अगर आपको बैटिंग में आपने मास्टरी करनी है, आप रोज़ 300 से 400 बॉल खेलो अकेले में, किसी को लेके आओ, कोई साथ में लेके आओ, वो आपको थ्रो डाउन करे, आप बैटिंग करो। लेकिन उसमें भी पर्पस होना चाहिए कि आज मैं ड्राइव्स करूँगा, अब मैं वीक में खेलूँगा, आज मैं अपना बैट स्ट्रेट लाऊँगा, आज मैं सीधा खेलूँगा, अब मैं कोई भी क्रॉस शॉट नहीं खेलूँगा, मैं 300 बॉल खेलूँगा। अगर आप ये 30 दिन तक करते हो तो 9000 बॉल हो गया, हम 1500 ओवर खेल चुके हैं। जब हम इतना खेलेंगे तो अपने आप ही बैटिंग इंप्रूव हो जाएगा। जब भी बॉल ऊपर आएगा आपकी ड्राइव लग जाएगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपके पीछे आपकी प्रैक्टिस लगी हुई है। सो उस तरह से अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि आप सबसे अच्छा काम कर रहे हो। तो पहली ड्रिल आज बैट्समैन के लिए यह है कि आप रोज़ 300-400 बॉल खेलो, कोई अपने पार्टनर ले लो, कोई फ्रेंड ले लो, बिफोर प्रैक्टिस आप जाके नेट्स में चले जाओ, थ्रो डाउंस करो और बैटिंग करो। मैंने देखा हुआ है काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स जो है प्रैक्टिस से पहले 1 घंटा जाके वो अपनी बैटिंग करता है, वो अपनी नॉक करता है, अपने शॉट्स पे इम्प्रूव करता है, फिर वो नेट्स में जाता है, फिर उसके बाद वो मैच खेलता है। तो अगर आप देखोगे तो ये प्रोसेस है। तो बैट्समैन के लिए एवरीडे 200-300 बॉल मिनिमम खेलना चाहिए। अगर आप 200-300 बॉल खेलते हो, अगर ये इस वीडियो के बाद आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो ट्रस्ट मी आज से लेके 1 महीने तक अगर आप रोज 300 बॉल खेलोगे तो 9000 बॉल हो गया, अगर 200 खेलोगे तो 6000 बॉल हो गया। आप 1000 ओवर बैटिंग करोगे, वो 1000 ओवर से क्या फ़र्क पड़ेगा वो आपकी गेम के साथ पता चल जाएगा। और ये सब जो रूटीन आप सेट करते जाओगे उसको आपको करने में बहुत ईजी हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं है। अगर आप बॉलर हो, आपको रोज़ जाके 48 बॉल्स टू 54 बॉल्स आके अपने एक स्पॉट पे बॉलिंग करना। अगर आप स्पिनर हो तो आप अपना स्पॉट सेट करो, आप वहाँ पे कौन रखो और आप जाके 48 बॉल्स करो, 54 बॉल्स करो, कोई इश्यूज नहीं है। और उसके ऊपर कंसिस्टेंसी लाओ कि मेरा बॉल वहीं पे गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। वेरिएशन जो भी आपने करना है आप वहाँ सीख सकते हो। आपने अंदर लाना है, आपने टर्न करना है, आपको
जो भी करना है ये कर सकते हो, लेकिन एक स्पोर्ट पक्का पकड़ लो कि भाई मुझे मेरी गेंद यहीं गिरनी चाहिए। अगर कोई कल बोले कि आंख बंद करके भी आपका टप्पा उधर ही गिरना चाहिए, तो ये मेरी सीख है आज के लिए बैटर एंड बॉलर के लिए। और फिटनेस को मत इग्नोर करो और ना फील्डिंग को करो। हम देख रहे हैं कि आज के दिनों में लोग कैचेस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। बट आप एक चीज़ भूल जाते हो कि जब आप 20 ओवर खेलते हो तो आप 20 ओवर तक ग्राउंड में हो, उसमें एक मिस फील्ड हो गई तो कोच आपको बाहर कर सकता है, या एक कैच ड्रॉप हो गया तो बाहर कर सकता है, या बॉल के पीछे बराबर नहीं भागे तो बाहर कर सकता है। तो वो चीज़ें आपको बाहर करेगी, बैटिंग बॉलिंग बाहर नहीं करेगी। अगर आप ये सब चीज़ें अच्छी करोगे तो आप टीम में आ जाओगे, बैटिंग में आप अगर 10-15 रन भी कर लोगे और 10-15 बचा भी लोगे, उससे आपका नाम अंदर टीम में रहेगा और उसके हिसाब से आप ग्रो होते जाएंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन करिए, और ये जो प्रैक्टिस करो उसको एक लिखो, अपनी डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि आज आपने क्या किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। मेरे हिसाब से आप जब से आज से लिखना चालू करो और देखो एक महीने के बाद मुझे आप बताओ कि कहाँ तक आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो दिस वीडियो फॉर ऑल द बॉयज़, जो भी हमारे छोटे बच्चे हैं 8-9-10 साल से लेके 18-20-22 साल तक, अगर आप क्रिकेट खेलना चाह रहे हो, अगर आप अपनी गेम को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं आपको काफ़ी वीडियोस भेजता रहूँगा, और ये वीडियो आपको बहुत मोटिवेट करेगा। और आज से ही लग जाओ कि 300 बॉल खेलो रोज जाके, नेट्स में जाके, और अपनी गेम पे इम्प्रूव करो। मैं आपको प्लान बताता रहूँगा, आप हमें मैसेज करिए, हम आपको जवाब देंगे और आपको आपकी क्रिकेट को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। सो आज का वीडियो में इतना ही है कि प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, अपना रूटीन सेट करो और गेम को इम्प्रूव करो टुडे। थैंक यू वेरी मच।